नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के गेट के पास दर्जनों छात्र छात्राएं ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं कराया जाता है तो आगे भी भूख हड़ताल जारी रहेगा। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के गेट के पास दर्जनों छात्र छात्राएं ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के नारे लगाए जा रहे थे। विद्यार्थियों के अनुसार कई बार उन्होंने ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय को अवगत कराया है कि उनकी पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर हो और परीक्षाएं जल्द ली जाए, लेकिन विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की मांग को नजरअंदाज कर रहा है। पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की मांग है कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ली जाए और परीक्षाएं जल्द की जाए, इसके लिए समय सारणी जारी की जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑनलाइन मोड पर परीक्षाएं हो चुकी है, लेकिन रायगढ़ में अभी समय सारणी भी जारी नहीं हुई है। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया का कहना है कि केजी महाविद्यालय की पांचवी सेमेस्टर के छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो, लेकिन इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के बीच एक डील साइन हुई थी, जिसके अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा करवाई जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति से चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं, दूसरे कॉलेजेस के सेमेस्टर वाले, उन लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है और हमारा जो है हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, ना ही हमारे ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन सौंप चुके हैं पहले भी, इससे भी, लेकिन अभी तक कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई जवाब आया है और उसी के लिए हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ऐसी रोज रोज चलते रहेगी जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। आज हमारी मांग ये है कि हमें ऑनलाइन भी एग्जाम चाहिए और पंचम सेमेस्टर एग्जाम जल्द जल्द चाहिए। हम लोग चार बार ज्ञापन दे चुके विश्वविद्यालय में, ना हमें तक अभी तक ऑफिशियल सूचना मिली है, ना ही ऑफिशियल कुछ नोटिस निकला है। और हमारी एग्जाम जल्द जल्द हो और छत्तीसगढ़ में जितने भी पंचम सेमेस्टर की कक्षाएं या कॉलेज हैं वहाँ एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। इस कारण में हमारी एक साल बर्बाद होने की कगार भी स्थिति में। क्या चाहते हैं इसमें? हमारा एग्जाम जल्द जल्द हो, वो भी ऑनलाइन मोड में। ये केजी, मुझे पता चला है कि केजी महाविद्यालय के पाँचवें सेमेस्टर के छात्र जो हैं वो अपनी परीक्षाएं कराना और उनकी दो मांगे हैं, परीक्षाओं का समय सारणी जारी हो और उनकी ऑनलाइन परीक्षा। इस संबंध में पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और शहीद अनंत कुमार पटेल विश्वविद्यालय के बीच में एक MOU साइन हुआ था और उसमें यह है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कराएगा। तो जो छात्रों की मांग है उस संबंध में निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को लेना है और वो परीक्षाओं का फार्म आरम भर चुके हैं। समय सारणी अभी जारी नहीं की है, इस संबंध में छात्र पहले भी आए थे, उनकी बात सुनी थी और केजी महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनसे, उनको बुला के उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से चर्चा की है, हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब ने भी उनसे चर्चा की है और शनिवार को वहाँ के कुलपति से, हम कुलपति महोदय से मैं भी चर्चा करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी छात्रों की समय सारणी जारी हो जाए। और जहाँ तक ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न है, इसमें निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को लेना है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय क्योंकि परीक्षाएं आयोजित नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें हम निर्णय नहीं ले पाते। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।